द दानिशगर 2015 में रिलीज हुई थी। इसे ऑस्कर अवार्ड विनर डायरेक्टर टॉम कूपर ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म डेविड एवरश्रॉफ के ही द दानिशगर नाम के ही नॉवल पर बेस्ड है। ये फिल्म एक ट्रांसजेंडर लिली एल्बे की रियल स्टोरी पर बेस्ड है। 1926, कोपेनहेगन डेनमार्क। आइनर एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर है और उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन से मूवी की शुरुआत होती है। हमें एक रियल पिक्चरेस्क्यू सीन को एग्जीबिशन में लगी हुई एक पेंटिंग के रूप में दिखाया जाता है। गर्डा, जो कि आइनर की वाइफ है और एक अच्छी पेंटर भी है, उस पेंटिंग को गौर से देख रही है। आइनर और गर्डा दोनों ही एक कपल है, उनकी लव मैरिज हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आइनर लैंडस्केप पेंटिंग बनाता है और बहुत मशहूर है। गर्डा पोर्ट्रेट्स बनाती है, लेकिन अभी तक अपनी कोई पहचान नहीं बना पाई है। आर्ट गैलरी का ओनर आइनर को दानिश टैलेंट का 1% हिस्सा बताता है। घर लौटते हुए गर्डा और आइनर आर्ट गैलरी के ओनर की 1% वाली बात पर बहुत हंसते हैं। रास्ते में एक आदमी उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। अगली सुबह गर्डा एक आदमी का पोर्ट्रेट बनाती है उसे स्पेस देने के लिए, ताकि वो इत्मीनान से अपना काम कर सके। आइनर वहाँ से उनकी कॉमन फ्रेंड ऊना पहलसन के बैलेट क्लास में चला जाता है। घर में गर्डा को उस आदमी की पोर्ट्रेट बनाते हुए दिखाते हैं, जो कि एक ही पोज में बैठा हुआ थक गया है। उसे अनकंफर्टेबल देखकर गर्डा कहती है कि कोई भी मिडिल क्लास मैन किसी भी औरत के लगातार घूरने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो ही जाते हैं। गर्डा की पेंटिंग पूरी हो गई है, वो उसे लेकर एक आर्ट कलेक्टर के पास उसकी प्राइसिंग के लिए जाती है। आर्ट कलेक्टर गर्डा को बताता है कि आजकल लोगों की ऐसी स्केचेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही है। वो गर्डा से कहता है कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और उसे अपनी पेंटिंग बनाने के लिए एक नया सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, यानी कि उसे अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। आइनर अपनी 5 पेड़ों वाली पेंटिंग पर काम कर रहा है। वो पेंटिंग उसके गांव के एक रियल सीन की है। आइनर अपनी पेंटिंग बहुत ही आराम से बनाता है। वो हर डिटेलिंग का इतना ध्यान रखता है कि उसकी पेंटिंग्स पूरा होने में बहुत समय लेती हैं। गर्डा अपनी उला की पेंटिंग को पूरा करने के लिए उला का वेट कर रही होती है। उला को देर होता देखकर गर्डा आइनर को स्टॉकिंग्स और शूज पहनकर पोज देने के लिए कहती है, जिससे वो अपनी पेंटिंग का एक पार्ट फिनिश कर सके। आइनर थोड़ा सा कुचाता है, लेकिन फिर गर्डा के लिए तैयार हो जाता है। गर्डा उसे स्टॉकिंग्स पहनने में हेल्प करती है। गर्डा उसे उला की ड्रेस को ऊपर से इस तरह पकड़कर रखने के लिए बोलती है, जिससे उसकी ड्रेस का फॉल स्टॉकिंग्स पर अच्छे से आ जाए। आइनर को ड्रेस पकड़े हुए ही अचानक अंदर से कुछ फीलिंग होने लगती है और वो ड्रेस पर बहुत प्यार से हाथ फेरता है। उसी वक्त उला अंदर आती है, उसके हाथों में लिली फ्लावर्स हैं। वो आइनर को मॉडल बने हुए देखकर खुश होती है और उसके हाथों में लिली फ्लावर्स पकड़ा देती है। उला आइनर को देखकर मजाक में कहती है कि उसका नाम तो लिली होना चाहिए था। रात को सोते वक्त गर्डा जब अड्रेस हो रही होती है, तब आइनर उसके अंडरगारमेंट्स को देखकर फैसिनेट हो जाता है और उसे छूकर फील करता है। गर्डा और आइनर एक पार्टी में इन्वाइटेड है, वहाँ उला भी है। सभी में कुछ मस्ती मजाक होता है। वहाँ ये भी बात उठती है कि गर्डा और आइनर की मैरिज को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन उनके बहुत चाहने के बाद भी अभी तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए हैं। उला मजाक में कहती है कि वो अभी 2 नजदीक आदमियों के साथ रिलेशन में है। जवाब में गर्डा भी उसे मजाक में कहती है कि आइनर बहुत शर्मीला था और गर्डा ने ही उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। जब गर्डा और आइनर ने पहली बार किस किया, तब गर्डा को लगा कि वो किसी लेडी को किस कर रही है। जब वो दोनों घर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। गर्डा आइनर की शर्ट को खोलती है। वो ये देख के चौंक जाती है कि आइनर ने शर्ट के अंदर उसका अंडरगारमेंट पहन रखा है। वो आइनर को कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर से उसे बहुत अजीब फीलिंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में गर्डा जल्दी उठ जाती है। उसे सोता हुआ आइनर इतना अच्छा लगता है कि वो उसके बहुत सारे स्केचेस बना देती है। उन स्केचेस को देखने से हमें ये क्लियर नहीं होता कि ये स्केच लड़की के हैं या किसी लड़के के। जब आइनर सोकर उठता है तो गर्डा उसे बताती है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। गर्डा आइनर को एक इनविटेशन के बारे में बताती है। आइनर वहाँ जाना नहीं चाहता, क्योंकि सभी लोग उसे देखकर उसे घेर लेते हैं और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। गर्डा आइनर को मजाक में कहती है कि वो आइनर के रूप में ना सही, लिली के रूप में वहाँ जा सकता है। गर्डा आइनर का मेकअप करती है, उसके लिए कपड़े खरीदती है, शूज खरीदती है और आइनर के लिए उसको सूट करता हुआ विग भी खरीदती है, ताकि आइनर लिली के रूप में आ जाए।
आइदर लिली का रूप ले लेता है और अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है। वो जगह जगह औरतों के हाव भाव देखकर अपने आप को वैसे ही प्रिटेंड करने की कोशिश करता है। दोनों उस पार्टी में जाते हैं। आइनर लिली के रूप में है। वहाँ लिली का इंट्रोडक्शन आइनर की सिस्टर के रूप में कराया जाता है। लिली एक जगह जाकर बैठ जाती है जहाँ पर हेनरिक की नजर उस पर पड़ती है। हेनरिक पहली ही नजर में लिली को पसंद करने लग जाता है। वो लिली के पास आकर बैठ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लिली बना आइनर समझ नहीं पा रहा है कि उसे कैसे रिस्पॉन्स करे। हेनरिक लिली से कहता है कि एक आदमी को किसी भी लेडी को किस करने से पहले एक बार उससे पूछना चाहिए, और लिली की ओर झुक जाता है, उसे किस करने लग जाता है। लिली उसे अपने से दूर हटाती है और हेनरिक से कहती है कि उसने किस करने से पहले पूछा नहीं। हेनरिक का कहना है कि उसे लगा कि उसे लिली से पूछने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त वहाँ गर्डा आ जाती है और दोनों को किस करते हुए देख लेती है। लिली को नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है। वो डर जाती है। गर्डा को उसका किस करना बहुत ही अजीब लगा था, पर वो कुछ नहीं कहती और लिली को लेकर घर आ जाती है। घर में गर्डा के माइंड में बहुत सी चीजें घूम रही है। उसने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा है वो उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे लग रहा है कि उसका थोड़ी देर का मजे के लिए बनाया गया प्लान आइनर के लिए इतना गंभीर कैसे होता जा रहा है। आइनर गर्डा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो हेनरिक को किस करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर रहने वाली लिली शायद ऐसे ही चाहती थी। गर्डा आइनर से पूछती है कि क्या उसने इससे पहले कभी किसी लड़के को किस किया था, जिसके जवाब में आइनर गर्डा को बताता है कि एक बार अपने कॉलेज के दिनों में उसने अपने एक फ्रेंड को किस किया था। आइनर के पापा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था और वो उस वक्त उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। गर्डा को अपनी पेंटिंग के लिए एक नया सब्जेक्ट मिल गया है। वो आइनर की लिली के रूप में पेंटिंग्स बनाती है और उन्हें आर्ट कलेक्टर को दिखाने के लिए ले जाती है। आर्ट कलेक्टर को वो पेंटिंग्स बहुत पसंद आती है और वो उन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने के लिए तैयार हो जाता है। आर्ट कलेक्टर उसकी मॉडल से मिलना चाहता है, लेकिन गर्डा उसे टालने के लिए कह देती है कि ये आइनर की कजन लिली है और इस वक्त ग्राउंड में मौजूद नहीं है। घर में आइनर गर्डा के अंडरगारमेंट्स पहनता है और आईने के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को बड़े ध्यान से देखता है। वो अपने आप को एक लड़की के रूप में इमेजिन करता है। गर्डा घर लौटकर आती है। वो आर्ट कलेक्टर से बात करके बहुत खुश है और उन बातों को आइनर के साथ शेयर करना चाहती है, लेकिन घर में घुसते ही वो देखती है कि आइनर लिली के रूप में घर में मौजूद है। गर्डा को उसे इस तरह बिना किसी कारण के लिली बने हुए देखकर बहुत आश्चर्य होता है। वो उसे लेकर एक डॉक्टर के पास कंसल्टेंसी के लिए जाती है। आइनर डॉक्टर को अपनी नोज ब्लीडिंग के बारे में बताता है। वो डॉक्टर को ये भी बताता है कि उसे मंथ में एक बार अपने पेट में दर्द होता हुआ महसूस होता है। यह वो मंथली होने वाले लेडीज पीरियड्स की बात कर रहा है। आइनर डॉक्टर को बताता है कि आदमी की बॉडी होते हुए भी उसे हमेशा अपने अंदर एक लड़की के होने की फीलिंग होती है। अगली बार जब गर्डा आर्ट कलेक्टर से मिलने जाती है तब वो उसे बताता है कि उसने गर्डा की बनाई हुई सभी पेंटिंग्स बेच दी हैं और उसे पेरिस में कुछ एग्जीबिटर्स बुला रहे हैं। आर्ट कलेक्टर गर्डा को पेरिस जरूर जाने के लिए एनकरेज करता है। इससे गर्डा एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बन जाएगी। गर्डा घर आकर आइनर को अपने साथ पेरिस चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे अपनी पेंटिंग्स के लिए लिली एक मॉडल के रूप में चाहिए होगी। दोनों कोपेनहेगन छोड़कर पेरिस जाकर रहने लगते हैं। पेरिस में आइनर गर्डा के मॉडल के रूप में कंटिन्यू काम करता रहता है, लेकिन आइनर के इस तरह के चेंज ऑफ बिहेवियर का कारण उन दोनों की पर्सनल लाइफ पर पड़ता है और उन दोनों की जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं। गर्डा के घर से बाहर रहने पर एक दिन आइनर एक पीप शो क्लब में जाता है और वहाँ मौजूद लेडी जिस तरह से एक्ट कर रही होती है वो उसे देखकर वैसे ही उसकी नकल करने की कोशिश करता है। गर्डा पेरिस में ही हैंस एक्सजिल से मुलाकात करने जाती है। हैंस आइनर का बचपन का दोस्त है। हैंस किसी को फोन पर कहता है कि उसे अभी जाना होगा क्योंकि एक दानिश गर्ल उसका वेट कर रही है। दानिश गर्ल हमें अपनी मूवी के टाइटल की याद दिलाता है, जिसमें हैंस गर्डा या लिली की बात कर रहा है। हैंस गर्डा को बताता है कि उसे उसका आर्टवर्क बहुत पसंद आया है, लेकिन उसे इस टाइप की पेंटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोच रहा है कि गर्डा शायद उसके पास अपनी पेंटिंग के सिलसिले में मिलने के लिए आई हुई है। वो उसकी पेंटिंग्स के मॉडल से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। गर्डा उसे बताती है कि ये आइनर की कजन लिली है, जो कि इस वक्त पेरिस में नहीं है।
गर्डा हैंस को अपने घर चलने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि आयनर घर पर उसका वेट कर रहा है। जब वो दोनों गर्डा के घर पहुंचते हैं, गर्डा आयनर को लिली के रूप में पाती है। गर्डा घबरा जाती है और हैंस को कहती है कि शायद मुझसे कहने में गलती हो गई, आयनर पेरिस से बाहर गया हुआ है और इस वक्त लिली यहाँ पर मौजूद है। लिली हैंस के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। हैंस के जाने के बाद आयनर गर्डा को कहता है कि हैंस उसकी सच्चाई नहीं पकड़ पाया कि वो आयनर है, लेकिन हैंस आयनर की सच्चाई पकड़ चुका था। गर्डा की मुलाकात एक आर्ट शो में दोबारा हैंस से होती है। वो जानता है कि आयनर के साथ गर्डा के पति पत्नी वाले रिलेशन नहीं होंगे। वो गर्डा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन गर्डा पीछे हट जाती है। वो हैंस से कहती है कि आयनर कैसा भी हो उसका पति है। यहाँ पर एक लव ट्रायंगल सेटअप हो जाता है। हैंस गर्डा को चाहता है, गर्डा आयनर को और आयनर हैंस को। गर्डा इतनी ज्यादा अपसेट है कि वो अपने दिमाग को काबू में नहीं रख पा रही है। वो इवेंट से बारिश में ही बिना अम्ब्रेला लिए बाहर निकल जाती है। हैंस उसे देखता है और उसे शेल्टर में लेकर आता है। गर्डा आयनर और हैंस तीनों ही घर में है। हैंस गर्डा को बताता है कि वो ही आयनर का वो बचपन का दोस्त है जिसे उसने एक टाइम किस किया था। उस समय आयनर ने अपनी ग्रैंडमा का एप्रन पहना हुआ था और वो वैसे ही बनने की कोशिश कर रहा था। हैंस को उस वक्त आयनर बहुत सुंदर लगा जिससे उसने उसको किस करने की इच्छा होने लगी, लेकिन आयनर के पापा ने ये सब कुछ देख लिया और उन्होंने आयनर को उसके लिए बहुत मारा। गर्डा आयनर को अपने एक इवेंट के लिए लिली के रूप में तैयार करती है। इस वक्त आयनर गर्डा का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि वो जिंदगी भर अपने अंदर एक लड़की की मौजूदगी का एहसास कर रहा था जिसे गर्डा ने उसके अंदर से बाहर निकाल कर उसे बहुत ही अच्छे एहसास से भर दिया है। आयनर अभी भी अपने जेंडर को लेके कंफ्यूज है कि वो लड़के के समान रहे जो कि वो बाय बर्थ है, या एक लड़की के समान बिहेव करे जो वो अपने आप को समझता है। ये सोचकर वो दोनों पेरिस में इस उम्मीद से कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि उन्हें इसका कोई इलाज मिल जाएगा। पहला डॉक्टर आयनर को लोबोटोमी सजेस्ट करता है, जिसका मतलब है कि वो आयनर के सिर के दोनों ओर दो होल बना देगा। ये इलाज तो मेरी समझ में भी नहीं आया कि डॉक्टर के दो होल बनाने से क्या होगा। दूसरा डॉक्टर आयनर को होमोसेक्सुअल बताता है। तीसरा डॉक्टर कंसल्टेंसी के समय बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाने पर आयनर उसके लिखे हुए नोट को पढ़ता है कि वो डॉक्टर आयनर को सिज़ोफ्रेनिक समझ रहा है। वो बाहर से सिक्योरिटी टीम लाने के लिए गया हुआ है, जिसे देखकर आयनर चुपचाप खिड़की में से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त पेरिस में उला आती है। गर्डा और आयनर से मुलाकात होने पर वो उन्हें एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताती है जिसने सिर्फ आयनर जैसे ही केस को हैंडल किया था। आयनर और गर्डा उला के बताए हुए डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ऐसे ही सेम केस मेरे पास कुछ समय पहले आया था। वो आदमी भी अपने आप को आयनर के ही समान एक औरत समझता था। डॉक्टर ने बताया कि मेल से फीमेल बनाने की प्रक्रिया में दो ऑपरेशंस होते हैं। पहले ऑपरेशन में मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और दूसरे ऑपरेशन में फीमेल पार्ट बनाया जाता है। इन ऑपरेशन के बारे में सुनकर उनका वो पेशेंट सर्जरी वाले दिन ही वहाँ से भाग गया था। आयनर ये सुनकर बहुत खुश होता है कि वो अब लड़की बन सकता है। वो उस ऑपरेशन करवाने के लिए मान जाता है। ये ऑपरेशन दुनिया का फर्स्ट सेक्स चेंज ऑपरेशन होने वाला था। आयनर को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गर्डा सर्जरी के वक्त उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन आयनर अकेले ही रहना चाहता है। आयनर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वो अपने आप को मिरर में देखकर बहुत खुश है। वो डिसाइड करता है कि अब वो आगे से विग नहीं लगाएगा और अपने खुद के बाल लड़कियों के ही स्टाइल में रखेगा। हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट लेडी आयनर सॉरी लिली से मिलती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें भी बेबी होने वाला है। लिली का कहना है कि ऐसा एक दिन जरूर होगा। उसे अभी ये नहीं पता कि सर्जरी सिर्फ उसकी बॉडी को लड़की बना रही है, उसके अंदर के सिस्टम को नहीं। आयनर के फर्स्ट ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। लिली डॉक्टर को कहती है कि मेरा होने वाला हस्बैंड भी आप ही की तरह हैंडसम होगा और अपने प्रेग्नेंट होने की संभावना व्यक्त करती है। डॉक्टर लिली को वार्न करता है कि ये ऑपरेशन बहुत जानलेवा हो सकता है, लेकिन लिली इतनी खुश है कि वो कहती है वो ऑपरेशन के बाद पूरे समय सोते हुए बिता देगी। फर्स्ट सर्जरी हो जाती है। लिली का मेल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है। जैसा कि डॉक्टर का प्रिडिक्शन था, आयनर को बहुत ही दर्द होता है। गर्डा लिली को सपोर्ट करने के लिए वहाँ आ चुकी है।
लिली को पेन से बचाने के लिए डॉक्टर उसे बहुत सारे मॉर्फिन के डोजेस देते हैं। लिली की सेकेंड सर्जरी अभी बाकी है, लेकिन लिली अभी से अपने आप को एक लेडी समझने लगी है। अब लिली पेंटिंग्स बनाने की जगह एक लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर में एक सेल्स क्लर्क के जॉब पर लग गई है। वो कस्टमर्स को परफ्यूम बेचती है और उन्हें बताती है कि उसे कैसे लगाया जाता है। लेडीज उससे और उसके टिप से बहुत खुश होती हैं। एक दिन लिली एक पार्क से गुजर रही होती है, तब उसे दो फ्रेंचमैन फॉलो करते हैं। वो उसे लेस्बियन कहकर चिढ़ाते हैं। लिली पलट कर एक को जोर से मारती है, बदले में वो दोनों उसकी बहुत पिटाई करते हैं। लिली को मार्केट में एक दिन हैनरिक भी मिल जाता है। उससे मुलाकात के बाद लिली गर्डा को बताती है कि वो हैनरिक से किसी भी तरह लिंक्ड नहीं है, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल है। गर्डा चाहती है कि वो लिली के साथ अपनी वैसी ही पिक्चर्स बनाए जैसी वो लोग पहले बनाया करते थे, लेकिन लिली उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो अब आयनर नहीं है और उन चीजों को नहीं दोहराना चाहती जो कि आयनर किया करता था। वो आयनर के किसी याद को अपने साथ नहीं रखना चाहती। लिली एक एस्ट्रोजन हार्मोन की पिल खाती है, जिसे देखकर गर्डा थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि लिली ने वो पिल सिर्फ 10 मिनट पहले ही खाई थी और डॉक्टर ने उसे पिल थोड़ा टाइम गैप रखने के बाद खाने के लिए कहा था। लिली को अपने सेकेंड ऑपरेशन की इतनी जल्दी थी कि वो इसके लिए जल्दी ही अपनी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी पिल खा रही थी। लिली गर्डा की कोई भी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। लिली अपने आप को सेकेंड ऑपरेशन के लिए तैयार पाती है, लेकिन गर्डा उसे कहती है कि अभी तुम बहुत कमजोर हो, थोड़ा रुक जाओ। लेकिन डॉक्टर के इस ऑपरेशन के हाँ कहने पर लिली अपना सेकेंड ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। गर्डा और हैंस दोनों ही लिली के सपोर्ट करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। सर्जरी के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि सर्जरी बिगड़ गई है और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। गर्डा और हैंस लिली को देखने रिकवरी रूम में जाते हैं। वो बस मरने ही वाली है, फिर भी वो खुश है। वो बेहद कमजोर है और गर्डा से कहती है कि मैं फाइनली जैसा होना चाहती थी वैसे ही फील कर रही हूँ। वो कहती है कि भगवान ने मुझे लड़की ही बनाकर भेजा था, पर पैदा होते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई। गर्डा लिली को व्हीलचेयर पर हॉस्पिटल के रूम से बाहर लेकर आती है। लिली बहुत कमजोर है लेकिन बहुत खुश है। लिली बच नहीं पाती और उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण गर्डा बहुत दुखी होती है। मूवी के लास्ट सीन में हैंस और गर्डा डेनमार्क में वॉक कर रहे हैं और उन्हीं पांच पेड़ों के सामने जाकर रुकते हैं जिनकी पेंटिंग आयनर बनाया करता था। तेज हवा के चलने से गर्डा का स्कार्फ हवा में उड़ जाता है। हैंस उसे लेने जाना चाहता है, लेकिन गर्डा उसे रोक देती है। वो लिली का स्कार्फ था जो सिनेरिक व्यू के साथ हवा में उड़ता हुआ मैसेज देता है कि लिली अब आजाद है। हालांकि ये तो एक मूवी है, लेकिन कुछ रियल लाइफ फैक्ट्स भी हैं। लिली जेंडर चेंज करवाने वाली दुनिया की पहली लेडी नहीं थी। इससे पहले डोरा रिचर की पहली सर्जरी हो चुकी थी। लिली के ओरिजिनलिटी में डेथ उसके फिफ्थ ऑपरेशन के बाद उसकी बॉडी के ऑर्गन रिजेक्शन की वजह से हुई थी, क्योंकि उसकी बॉडी ने यूट्रस को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे मेरे अगले वीडियो में।